जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ONGC अप्रेंटिस भर्ती 2020 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। यहां पर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही खास अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने 4182 अप्रेंटिस पोस्ट पर अप्लाई करके रखा है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंचे जो लोग इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब से भर्ती अनाउंस की गई है, तभी से मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को, जहां से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हुए थे, रेगुलरली विजिट करता हूं और चेक करता हूं कि इसके ऊपर कोई अपडेट तो नहीं आया, ताकि आपको अपडेट दे सकूं। बट यहां पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि इसकी जो मेरिट लिस्ट इन्होंने तय करके रखी है कि जारी की जाएगी, वो आपकी 24 अगस्त 2020 को है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मेरिट लिस्ट या रिजल्ट 24 अगस्त को नहीं आएगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किए थे, ये वर्क नहीं कर रही है, यानी कि इसको ऑफ कर दिया गया है, ये वेबसाइट चल नहीं रही है। इसमें आप किसी भी तरह का पेज नहीं देखोगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दिस साइट कांट बी रीच, यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर विजिट नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूँ तो जब ये भर्ती लास्ट ईयर निकली थी तब भी मैंने रेगुलरली अपडेट दिए थे, तो उस वक्त ये वेबसाइट कभी भी ऑफ नहीं हुई थी जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई थी। बट अभी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा कि हाँ, मुझे लगा कि कोई सर्वर एरर होगा, इस वजह से थोड़ी बहुत देर के लिए वेबसाइट ऑफ होगी। बट मैं देख रहा हूँ कि ये 5-6 दिन हो गए, अभी भी ऐसी ही है, इसको अभी भी वर्क नहीं किया जा रहा है, या फिर कह लीजिए कि इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि इस बार आपकी लिस्ट अभी नहीं आने वाली है, आपको वेट करना होगा। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो आपको वेबसाइट के ऊपर अपडेट किया जाता कि हाँ, आपको इतने टाइम वेट करना है। तो अभी आप ये कह सकते हो कि ये भर्ती बीच में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से रोक दी गई है अभी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये ऑफिशियली रोकी है, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हुए बात करें तो आपको यहाँ पर 24 अगस्त के अलावा कुछ थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है मेरिट लिस्ट का जारी होने में। और ये अपडेट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से शुरुआत में ही पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ऑफिशियल या अनऑफिशियल अपडेट लेकर के आता रहूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर हमें आपके ऊपर यकीन है और आप हमारे लिए अपडेट लेकर के आते रहिए। तो बस उसी को देखते हुए ये जानकारी मैंने सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि इसके ऊपर विजिट कर रहे होंगे और उनके मन में सवाल होगा कि ये वेबसाइट ओपन क्यों नहीं हो रही। तो ये दोस्तों ये मैंने आपको प्रॉब्लम शेयर कर दी है, जो कि मुझे सर्वर की नहीं लग रही है, ये सिर्फ अथॉरिटी की तरफ से ही बंद की गई है, जो इसके अथॉरिटी है जो कि इसको मैनेज करते हैं। अब ये क्यों की गई है ये तो आपको अभी टाइम आने पर ही मालूम हो जाएगा। 24 अगस्त तक वेट करते हैं, जैसे ही कुछ 24 अगस्त का अपडेट होगा तो मैं तो आपके लिए वीडियो लेकर आने को तैयार हूँ, और आपको जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी के लिए बस आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा और आपको नेक्स्ट अपडेट जल्द ही मिल जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।